संकल्प विकल्प आते हैं तो मन चिंतन चिंतन मतलब क्या है तो मनन चिंतन मंथन शक्ति का करना है या अशक्ति के लिए करना है? शक्ति के लिए किया जाए वो असली सागर मंथन है। इस सागर मंथन से रतन निकलते हैं और जो मन में विकल्प आते हैं, भी माने विपरीत, जो विपरीत संकल्प चलते हैं, काहे के विपरीत, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है, बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत के विपरीत संकल्प चलते हैं, उन्हें विकल्प कहा जाता है। वो विकल्प झूठ खंड की रचना रचते हैं। कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बना बनाया ड्रामा है कि हम बना रहे हैं? हम बना रहे हैं, जान बूझ करके बना रहे हैं। हम जानते हैं कि ये बाबा की श्रीमत नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा कर्म करना ये बाबा की श्रीमत नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी करते हैं, जानते हैं फिर भी करते हैं। तो असत्य की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या सत्ययुग की शूटिंग कर रहे हैं? झूठी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं। झूठी दुनिया में ही उन संकल्पों का फल मिलेगा जो जिन्हें विकल्प कहा जाता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के बल से उन विकल्पों को तुरंत क्या करें? तुरंत कट कर देना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये 63 जन्मों की रील है, वो अभी रील घूम रही है। जो रील घूम रही है उस रील में अब हमको क्या पार्ट बजाना है? जैसी रील घूम रही है वैसा ही चक्का चलने दें, या उसको जहां का तहां स्टॉप करें? अगर पाप कर्मों का संकल्प चल रहा है, जो करेगा सो पावेगा, जो खुला छोड़ देगा तो विकल्प आते ही रहेंगे, पाप की दुनिया बनती ही रहेगी, हम अपने लिए दुख कमाते ही रहेंगे। पाप से होते हैं दुख, और जो रास्ता बाप बताते हैं वो पुण्य आत्मा बनने का बताते हैं या पाप आत्मा बनने का बताते हैं? पुण्य आत्मा होते हैं देवताएं, बाप हमें देवता बनाने आया है। तो पाप के संकल्प, पाप की वाचा, पाप के कर्मों को तुरंत तिरंजलि देनी चाहिए। तो कहेंगे हम विचार सागर मंथन की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य का मंथन, ज्ञान का मंथन, वही विचार सागर मंथन। बाकी जो विकल्प आते हैं उनका ही मंथन करते रहे, उन पर तनाव न लगाए, चालू बना रहने दें, तो हम अपने लिए पाप की दुनिया बना रहे हैं। 10 करोड़ के अलावा 500-700 करोड़ आत्माएं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब अपने लिए पाप की दुनिया बनाती रहेंगी। वो पुण्य के संकल्प नहीं करेंगे, पाप के संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, इसलिए पाप की दुनिया में ही जन्म लेंगे।
पुण्य की दुनिया सत्युग त्रेता में जन्म नहीं लेंगे। बाबा, एक मुरली में बोला है, उस मुरली में बाप किसको का है और दादा किसको का है? जो मुरली ब्रह्मा के मुख से माउंट आबू में चलाई गई, उस मुरली में बाप किसको बोला है और दादा किसको बोला है? अरे शिव बाप है और दादा ब्रह्मा है, माने शिव भी उतनी सेवा नहीं करते, दादा भी उतनी सेवा नहीं करते। शिव की सेवा इसलिए नहीं गाई जाएगी क्योंकि वो तो पाप पुण्य दोनों से परे, न वो अच्छा कर्म करता है न वो बुरा कर्म करता है, उनका तो पार्ट सिर्फ है रास्ता बताने का, बस वो तो अकर्ता है, उसकी उसकी बात जो छोड़ ही दो, वो कितनी भी सेवा करे लेकिन उसको सेवा का फल इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है? नहीं मिलेगा, वो तो परम धाम वासी है। बाकी रहा दादा ब्रह्मा, उन्हें बाप की पहचान ही नहीं है, पहचान अगर पहचान होती तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं रखते, क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। शिव बाप ने मुरली में ध्यान भी खिंचवाया तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आया कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाएं कि तुम अपने नाम से पहले प्रजापिता शब्द लगाओ, तो भी नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाते। इसका मतलब है बाप को नहीं पहचाना, तो जब बाप को पहचाना ही नहीं तो सेवा किसकी करते थे, किसकी सेवा की? जब भगवान को पहचाना ही नहीं, भगवान के प्रैक्टिकल रूप को ही नहीं जाना, तो भगवान की सेवा करते थे, ईश्वर की सेवा करते थे या स्वार्थ की सेवा करते थे? कहेंगे ईश्वरीय सेवा तो नहीं करते, आसुरी सेवा हुई, आसुरी बच्चों का परिवर्धन किया, जो दैवीय बच्चे हैं 100% बनने वाले, उनको पहचाना भी नहीं और उनकी सेवा भी नहीं की। नहीं तो अम्मा का काम है पहले बड़े बच्चे की सेवा करना, सेवा करके उसको बड़ा करना, वो काम तो हुआ ही नहीं। इसलिए बोला कि बाप दादा भी इतनी सेवा नहीं करते हैं जितनी तुम बच्चे सेवा करते। बाबा ये जगन्नाथ बलभद्र है ना, उनकी बहन है सुभद्र, हाँ। है ना, तो रुद्रमाला में तो स्त्री ज्वाला बहुत है, सरस्वती यमुना गंगा सरस्वती बहुत सारे स्त्री ज्वाले है ना बाबा, तो सिर्फ सुभद्र को ही बहन कहा है, इसने राज किया है। तो माने सुंदर है, भद्र माने कल्याणकारी, कल्याण भी कैसा, अच्छे से अच्छा कल्याणकारी, जैसा कल्याणकारी और कोई मणकार रुद्रमाला में बना ही नहीं, वैसा कल्याणकारी है तो रुद्रमाला का मणकार, लेकिन है स्त्री चोला, इसलिए सुभद्रा कहा, स्त्री का नाम रख दिया।
प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाया है वो ही नाम रखा जाए। द्रौपदी को पांच पति का गायन है, पांच पति, पति माने रक्षक, उसकी रक्षा करने वाले हैं। पांच सेंटर हो और पांच उनके मुख्य भाई हो, अगर वो बहन 10-15 सेंटर्स में जाएगी तो पांच ही क्यों? तो गायन अव्वल नंबर का होता है या सबका होता है? नाम अव्वल नंबर का लिया जाता है या सबका नाम लिया जाता है? अव्वल नंबर का नाम लिया जाता है। तो एक की बात है, बाकी सब नंबर वार है। वो जरूरी नहीं है कि पांच से ही अपनी सुरक्षा कराए, अनेकों से भी सुरक्षा कराते। बाबा तो कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तो क्या सबको पांच ही पांच रक्षा करने वाले हैं? नहीं, तो कोई ज्यादा है, कोई को कम है। सारे जीवन की बात है। बाबा पांच चिन्ह शंख क्या अर्थ है? इस शंख को देकर के कृष्ण को कहते हैं कि नई युग की घोषणा करने के लिए शंख बजाया। दक्षिण भारत में ज्यादातर मुरुगन स्वामी अर्थात कार्तिकेय की मान्यता है। दूसरा प्रश्न, तो ये पांच चिन्हों में शंख का क्या अर्थ है? शंख करता क्या है? आवाज करता है। ये क्या करता है? ये शंख है। ये मुख जो आवाज करता है का नाम ही शंख है। ये ज्ञान की आवाज है। महाभारत में अलग अलग महारथियों को अनेक प्रकार के अलग अलग शंख दिखाए हैं। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार का सब ज्ञान सुनाते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं? अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। तो जैसा जैसा जिसने ज्ञान सुनाया वैसा वैसा उनके शंख का नाम रख दिया। कष्ट को कहते हैं कि नए युग की घोषणा करने के लिए शंख बजाया। तो कृष्ण भगवान है या शिव बाबा भगवान है? तो शिव बाबा भगवान। लेकिन शास्त्रों में संगम युगी कृष्ण का जो गायन है वो संपन्न स्टेज वाले कृष्ण का गायन है या अधूरे कृष्ण का गायन है? जो संपन्न स्टेज वाले कृष्ण का संगम युगी कृष्ण का गायन है वो शंख जब बजता है मुख रूपी शंख तो नए युग की आवाज हो जाती है सारी दुनिया कि नया युग आने वाला है। इसलिए शास्त्रों ने दिखाया।
दक्षिणवास में मोगन स्वामी अर्थात कार्तिकेय की मान्यता है। और गणेश की मान्यता कहाँ है? मध्य भारत में, खास करके बंबई नगरी में गणेश की मान्यता है। उनका बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। बच्चे किसके हैं? गणेश और कार्तिकेय किसके बच्चे हैं? दिखाते हैं शंकर के बच्चे हैं। क्या शंकर ने उनको देह से पैदा किया है? देह से तो नहीं पैदा किया है, तो बेहद के बच्चे। गणेश है मातेला, माता की शक्ति से उत्पन्न हुआ। और कार्तिकेय पैदा तो हुआ, शक्ति से ही पैदा हुआ, लेकिन पालना किसने की? माँ बाप की पालना नहीं ली, किसकी पालना ली? छह धर्म की छह कृतिकाएं हैं, भक्ति मार्ग की, उनसे पालना। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये छह धर्मों की छह कृतिकाएं उनकी पालना करती है। उनका पुत्र ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, शिव का पुत्र शैव, ऐसे ही कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय नाम हुआ। छह मुख दिखलाते अर्थात जो जो भक्ति मार्ग की पैदाइश करने वाले धर्म हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि, उन सब धर्मों की पालना करने वाला है। एक मुख से बात नहीं करता है, कभी किस धर्म की बात करता है, कभी किस धर्म की बात करता है, कभी किसको फॉलो करता है, कभी किसको फॉलो करता है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। कभी मंदिर में जाके झांझ में जाएगा, तो कहीं गुर्जागर में जाकर के ये बात करता हुआ देखा जाएगा। बाकी बात के भक्ति मार्ग के पार्ट बजाने वाली आत्मा है। इसलिए जो विदेशी धर्म है वो विदेशों में पहले उसे दिखाई गई। भारत का विदेश क्या है? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जो भी विदेश है सब जानते हैं कि 2500 वर्ष के अंदर सागर से निकले हुए। पहले भारतवर्ष जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता है वो सिर्फ उत्तर भारत का हिस्सा था। बाद में जब 2500 वर्ष पूरे होते हैं तो दक्षिण भारत का वर्षा, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो भी समुद्र से ऊपर आता है। जैसे कि विदेशी देश दूसरे धर्म के देश समंदर से ऊपर आ जाते, बाकी भाषा अलग होती है, बाकी चलन अलग होती है, वहां के संस्कार अलग होते हैं, वहां के रीति रसम अलग होते हैं। इसलिए बोला
कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और ज्ञान में भी देखने में आता है कि भगवान बाप जब आते हैं तो दक्षिण भारत की आत्माएं जो कि भाषा भी नहीं जानती बाप को पहले पहचानती। देशी बाप को पहले पहचानते हैं या विदेशी बाप को पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहले पहचानते। कितनी वंडरफुल बात, जो भाषा को भी नहीं जानते, जिनके रीत रसम रिवाज भी अलग अलग है, वो बाप को पहचान लेते हैं। और दक्षिण भारत से कहां उत्तर भारत में जाकर के सारी बातों को फॉलो कर लेते हैं। तो ज्यादा होशियार कौन हुए, दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के? समझदार किसको कहेंगे? कहेंगे विदेशी ज्यादा समझदार है। भारतवासी तो पूरे तमोप्रधान बन जाते हैं, अभी भी नहीं पहचान रहे, अभी भी गुरुओं के पीछे लगे पड़े। तो विदेशियों का हेड है बाप का वो बच्चा जिसका नाम कार्तिकेय पड़ा है, क्योंकि विदेशों में ही पूजा होती है। और दूसरा बच्चा है गणेश, जो देवताओं का अधिपति माना गया है, ज्ञान बहुत सुनता है, इसलिए कान बड़े बड़े हैं। बुद्धि में बहुत प्रबल है, इसलिए माथा चौड़ा दिखाया गया है, लेकिन आंखों में विशेष मद भरा हुआ है, क्योंकि समझता है मैं ही गीता का भगवान हूं। भगवान हूं तो मेरी दृष्टि से सत्य सुधरेगी, तो दृष्टि व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, उसको कहेंगे आंखों की शराब पीने वाला। तो हाथी की आंखें मधमाती होती है या साधारण होती है? मधमाती आंखें होती है। देवान ज्यादा होता है या थोड़ा होता है? बहुत देवान होता है। कितना भी ज्ञान के पॉइंट सुनाते रहो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। और है बाबा 65 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो फिर उन्होंने इनके शरीर में प्रवेश किया और सेवा, जो उनको फॉलो करने वाले बच्चे होंगे उन्हीं के शरीर में प्रवेश करेंगे। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी में शरीर छोड़ा, राम बाबा ने प्रवेश करते उन्होंने सेवा की है, राम बाप ने प्रवेश करके सेवा किया। राम बाप ने किसने? माने 69 से ही किसका क्या हो? जैसे अभी अभी है पॉइंट आया था क्या, जैसे ही शरीर छोड़ा अपने बाप ने प्रवेश किया? नहीं, शंकर कहा ही तब जाता है जब तीन आत्माओं का संकरण हो। क्या कहा? अगर 69 से ही 69 से ही प्रवेश किया तो तभी से शंकर कहना चाहिए, शंकरण नहीं कहा जाएगा। हाँ ये कहेंगे पुरुष की भारत में एक स्त्री जाती है तो दूसरी ज्योति ले लेते, बाबा ने इशारा दे दिया, ये ब्रह्मा का तन भी बूढ़ा हो गया, पुरानी ज्योति हो गई, ये जावेगा तो नई ज्योति ले लेंगे। तो शिव बाबा ने तो नई ज्योति ली,
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ली या गुप्त रूप में ली? गुप्त रूप में ली। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, प्रत्यक्ष तब हुआ जब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। प्रत्यक्षता वर्ष तब ही मनाया जा सकता है जब शिव के साथ साथ ज्ञान चंद्रमा भी प्रवेश करे, तब नाम पड़ता है शंकर। शंकर माने ही मिक्स, एक आत्मा का पार्ट नहीं है, पर्सनालिटी में तीन आत्माओं का पार्ट है। बाबा जो पहली अव्यक्त वाणी में ही कहा गया बाप दादा का जिक्र चलता था, पहली अव्यक्त वाणी से बाप दादा का जिक्र चलता था वाणियों में, जिक्र चलता था वाणी हाँ, तो चलता था, पहले नहीं चलता था, बोलियों में नहीं चलता था, बाप दादा तो बोलियों में भी बोला जाता था। हाँ, उस समय राम राम बाप तो पुरुषार्थ ही था, उनका पढ़ाई तो कैसे पूरा हुआ है? उस समय तो राम बाप का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, ठीक है, वो तो पुरुषार्थ ही था, चैतन्य अभी नहीं पुरुषार्थ है, वो तो चैतन्य में उनका पढ़ाई पूरी हो गई, क्षेत्र में पढ़ाई पूरी हो गई, नारायण बन गया, उसके बाद पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, याद में बैठने की जरूरत नहीं, डब्बा गोल करना चाहता है। हाँ, नंबर डिक्लेयर होना अलग बात है, नंबर तो ब्रह्मा बाबा का भी डिक्लेयर हो गया, सत्युग में क्या बनेगा, प्रिंस बनेगा, तो नंबर डिक्लेयर होना अलग बात और पद मिलना कुर्सी मिलना अलग बात। ये विश्व की बात चाहिए कि कुर्सी मिलने की बात नहीं है, सन 76 में हाँ बुद्धि में बैठ गया, क्या नक्शा बन गया बुद्धि के अंदर कि जो आने वाली दुनिया है उनमें विश्व का बादशाह कौन बनेगा, बाकी बन नहीं गया। बाबा दिल्ली के ऊपर हर धर्म वालों ने राजाई की है, बाबा ने बताया दिल्ली के ऊपर हर धर्म वालों ने राजाई की, ऐसे देखा गया तो इस्लाम धर्म ने मुगल साम्राज्यों ने दस दस बादशाही की है, दस दस बादशाही की, वैसे और बाकी जो क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म वाले तो नहीं, अरे तो ये स्थूल की बात है या सूक्ष्म की बात, ये 200 वर्ष में किसी ने राज्य नहीं किया हिंदुस्तान पर, अरे बाबा वो बौद्ध धर्म वालों की बात है, अरे बौद्ध धर्म वालों ने भी राज्य में राज्य किया, दिल्ली के ऊपर कहा, हाँ दिल्ली के तख्त के ऊपर भी राज्य किया, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने दिल्ली के तख्त पर राज्य नहीं किया हो, दिल्ली सब धर्मों की माता है, वो जगदम्बा है, हर धर्म के लोग जो हैं वो दिल्ली की गोद में खेलते हैं, मनमानी आचरण से खेलते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सब कुछ करता है, शक्ति भी करता है तो पेशाब भी करता है, हंसता भी है तो किलकारियां भी मारता है, माँ सहन करती ना, डर साहने तो पूरा ही आकर के कतलेआम ही मचा दिया, खून की नदी बहा दी, बाबा आज में जो ओम मंडली सिंध हैदराबाद में शुरू हुआ वहां सेगराउंड का क्या पार्ट था, और लेखराज ब्रह्मा बाबा का क्या पार्ट था, अरे क्या मुरली में नहीं बता दिया, सिंध हैदराबाद में सत्संग करते करते जब झगड़ा शुरू हुआ प्योरिटी की बात के ऊपर, कौन सी बात के ऊपर झगड़ा शुरू हुआ, प्योरिटी की बात माने क्या, शुरू से ही धोबी घाट चलता चला आया है,
ये पतित पावन का पाठ ये कि आग से ही झगड़े का कारण हो गया। तो ब्रह्मा बाबा झगड़े से डरते थे या मुकाबला करते थे? इंद्र का क्या पाठ है शास्त्रों में है? जब युद्ध की बात आती है तो डरता है या मुकाबला करता है? डर जाता है। बाबा जब डरता है तो इनको इंद्र क्यों कहा जाता है? इंद्र नहीं कहना चाहिए? इंद्र नहीं कहना चाहिए, संपन्न स्टेज का नाम है इंद्र या अधूरी स्टेज का नाम है इंद्र? बाबा जब संपन्न होगा तभी कहे तो अच्छा रहेगा। हाँ तभी कहेंगे, फिर अनिश्चित है, तभी शास्त्रों में नाम पड़ेगा इंद्र। पहले थोड़े ही शास्त्रों में नाम है इंद्र, अभी तो ब्रह्मा कहते हैं। तो जब झगड़ा शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पाठ बजाया? बिना किसी को बताए चुपचाप कराची भाग गए पुराने बंगले में, किसी को पता भी नहीं चला कहां चले गए। जो आदि में तो अंत में ब्रह्मा का पाठ क्या है एडवांस पार्टी में? कितने पाठ बजाता है जगदम्बा? कितने पाठ बजाता है? 98 में झगड़ा हुआ, उसके बाद एडवांस में आने वालों को पता चला कहां गई। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होता है। दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या पाठ था और सेवक राम का क्या पाठ था? झगड़ा हुआ प्योरिटी की बात को लेकर के, धोबीघाट की बात को लेकर के, तो दुनिया वाले समझेंगे क्या कोर्ट कचहरी में बात जाएगी? धोबीघाट की बात को समझेंगे? नहीं समझेंगे, तो सारी दुनिया वाले एक तरफ हो गए। जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली ब्रह्मा कुमारियां थी वो ब्रह्मा बाबा की तरफ हो गई। एक ने मुकाबला किया, एक आत्मा एक तरफ सारी दुनिया दूसरी तरफ। मुरली बोला लाश भी गुम कर दिया। बाबा ब्रह्मा बाबा के होते हुए बड़ी माता के होते हुए लाश कैसे गुम हो गया? ब्रह्मा बाबा के होते हुए लाश कैसे? अरे अम्मा तो भाग गई। अम्मा बाप की तो लड़ाई का खेल है, बड़ी माता तो मोटी तो होगी। ये खेल कौन सा है? मम्मी और पप्पा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। सारी दुनिया में जो झगड़ा होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यज्ञ के आदि से ही क्या चलता चला आया? स्थापना के साथ साथ विनाश भी शुरू हो गया। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। पहला नाम किसका? बुद्धि में बात बैठी ही नहीं, वो अपने को गीता का भगवान समझे बैठे है। तो बाबा उस समय धोबी घाट माना क्या करते? धोबी घाट माने क्या करते? धोबी क्या करता है? इसकी बुद्धि में ये नहीं बैठता अभी तक कि धोबी क्या करता है। कपड़ों की बात नहीं करते, कपड़ों की बात नहीं करते, माने इसकी बुद्धि में है कि किन कपड़ों की बात है। ये कन्या माताओं के सामने सारा उजागर करना चाहता है। सुर है कि असुर? कौन सी भाषा है तेरी? बाबा पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? अंदर एक और बाहर बाहर दूसरा। अंदर कुछ है तो पूछते ही, अंदर कुछ और है तो पूछते ही इसमें। हाँ अब धर्मराज बाप आने वाला है और सारा अंदर असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरज छिपी रहे, ऐसा कर देगा? आने दीजिए ना, आने दीजिए ना, डरता थोड़े ही है। आने दीजिए ना, मैं डरता थोड़े ही हूँ। अपने देवो में दूसरा मत था, उसमें ऐसे कौन सी विशेषता
उन्होंने भूमि में ऐसी कौन सी विशेषता हाँ। और कौन सी कमी के कारण अतिदेव में सूत्र मन का बना, कौन सी कमी के कारण कमी ये कमी है नहीं, चाहे तो एक नंबर भी ले सकती है। एक नंबर कैसे स्त्री चोला ले लेगा, क्योंकि सारी विश्व सारे शिव बाप पुरुष चोले में आएगा, दुर्योधन दुशासन में आएगा या स्त्री चोले में आएगा, पतितन जो है स्त्री चोला होता है या पुरुष चोला होता है, ज्यादा पतित कौन बनता है, कहेगा मैं दुर्योधन दुशासन हूँ, मैं नहीं कह सकता पुरुष दुर्योधन दुशासन होते, नंबर वन बनने के लिए पवित्रता भी जरूरी है ना, नंबर वन बनने के लिए पवित्रता जरूरी है, लो बिना पवित्रता के, अरे नंबर वन बनने के लिए नंबर वन पतित चाहिए, सारा उल्टा बोलता है, ज्ञान के खिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय हाँ बोलो बोलो बोलो, बिना पवित्रता धारण करे है, बिना पवित्रता धारण करे आते थे वो में पहला मंत्र कैसे बोल लो, शुरुआत में आत्मा पवित्र होंगी जब भगवान आवेगा या अपवित्र होंगी, तो भगवान पवित्रों को ढूंढेगा प्रवेश करने के लिए या अपवित्रों को ढूंढेगा, उल्टी बात कर रहे हैं बाबा, आखिरी जन्म में पवित्र थे तो उन्होंने 63 आखिरी जन्म में पवित्र है, 63 जन्मों की क्या बात है, अष्टदेव में दूसरा मतलब, अरे आखिरी जन्म में पवित्र कहाँ से आ जाएंगे, पवित्रता धारण किया हाँ तो उनको सारी दुनिया का पवित्रता का बीज की टाइटल दिया है, हाँ रुद्रमाला का बीज है, रुद्रमाला में कोई एक मणका तो ऐसा जरूर है जो सब मरकों में सबसे जास्ती पवित्र रहने वाला है, और पवित्रता का आधार है काश्य याद का तेज, पहले मणके में अगर याद का तेज है तो दूसरे मणके में परसेंटेज सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी, फिनिशिंग में अंतर होगा, फिनिशिंग में अंतर होगा, अंतर इतना ही है कि पहला मणका जो है वो शिव बाप के डायरेक्ट संग में है और दूसरे मणके में बाप प्रवेश नहीं है, पहले मणके की बाप की गारंटी है, ये जो कुछ भी करता है उसका जिम्मेवार मैं हूं, दूसरे का तो जिम्मेवार वो नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा ताकत मिलती है, दूसरे को इतनी ताकत नहीं मिलती है इसलिए दूसरा मान समझिए, बाबा दक्षिण भारत वाले बाप को पहले पहचानते हैं, तो अभी जितने भी ज्ञान में चलते हैं दक्षिण भारत वाले वो सारे विदेशी हैं क्या, पूछने वाला देह अभिमान में बोल रहा है पूछ रहा है या आत्माभिमान में पूछ रहा है, देहान में पूछ रहा है, आत्मा देशी विदेशी होती है क्या, आत्मा तो देशी विदेशी नहीं होती, देह देशी विदेशी होती है, जो भी विदेश के कहे जा रहे हैं वो अपन को अगर आत्मा समझते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर आता होगा कि मैंने सारे ही जन्म दक्षिण भारत में लिए हैं क्या या उत्तर भारत में भी लिए होंगे, उत्तर भारत में लिए होंगे तो उनकी बुद्धि में ये बात आएगी ही नहीं कि मैं आत्मा विदेशी हूं, आत्मा देशी विदेशी नहीं होती है, बहुत से ऐसे निकलेंगे और निकल रहे हैं तो दक्षिण भारत के होते हुए भी दक्षिण भारत में जन्म लेते हुए भी दक्षिण भारत की भाषा बचपन से जानते हुए भी सरेंडर होने के बाद दक्षिण भारत की भाषा ही भूल गए, छोटे छोटे बच्चे सरेंडर हो रहे हैं वो भाषा ही भूल जाते हैं, हिंदी उनको फटाफट आ जाती है एक साल के अंदर, तो उनको पूर्वजन्मों का संस्कार कहे
या वर्तमान जन्म का संस्कार है? जन्म का संस्कार है? ऐसे नहीं कह सकते कि जितने भी दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले हैं वो सब विदेशी है। ये अज्ञानता की बात है। सबसे सेवक धर्म खटोरा ऐसा क्यों कहा गया? सेवक माने दास। ये बात बुद्धि में नहीं बैठी अभी है। दास दासी बनना इससे ज्यादा नीचा कर्म और कोई नहीं होता। वो अपनी इच्छा से तो कोई काम कर ही नहीं सकते। जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। अगर ऐसी दासता से मुक्त होना है तो अभी इस संगनिधि जन्म में जैसा भगवान कहता है वैसे ही चलते रहो तो कोई जन्म में दासता से नहीं बनना पड़ेगा। तो एक जन्म की दासता अच्छी और वो भी ऊंचते ऊंचे बाप की, या अनेक जन्मों की दासता अच्छी? एक जन्म की दासता अच्छी। और बाबा बच्चे के माँ बाप परवरिश आज लगता आ गया। बोल बोल बोल। जब माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते थे तो ये भी दास दासी वाली बात होती है? ये भी दास दासी वाली बात होती। बाप तो जानते हैं ना, बाप तो चलन के आधार पर भी जान जाते हैं ना। इसकी चलन से मालूम पड़ता है ये दास दासी बनेगा। बाप बोलते नहीं है, अभी क्लास में बैठाते नहीं है कि तुम आगे बैठो या पीछे बैठो, क्योंकि फर्क हो जाएंगे। आगे चल के ऐसा भी टाइम आएगा बोल देंगे पीछे जाके बैठो। क्योंकि ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा चलाया जाए वैसा चलते नहीं है। उल्टी ही चलन चलते हैं। बाप की तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। अगर उम्मीद नहीं होती तो कह देते क्लास से गेट आउट। लेकिन बाप तो किसी को गेट आउट नहीं करते। जो छोड़ के चले जाते हैं उनको भी आमंत्रण देते हैं, दोबारा बट्टी करो फिर चलो। और बाबा ब्राह्मणों की दुनिया में गुप्त भी कहते हैं और झूठ भी बोलते हैं। कुछ बातों में गुप्त भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। गुप्त भी रहते हैं? नहीं, कुछ बातों में गुप्त कहते हैं, दान देते हैं, झूठ भी बोलते हैं। बाबा वो लोग जब चार्ट लिखते हैं तो है? वो लोग जब चार्ट लिखते हैं चार्ट लिखते हैं उसमें वो लोग व्यक्त करते हैं क्या फलाना भाई को ऐसा ऐसा बोला गया, फलाने माता को ऐसा ऐसा बोला, बोलना पड़ा जो ऐसा लिखते हैं क्या? तो अपना अपना पोता मेल है। कोई 1% सच्चा लिखता है, कोई 99% सच्चा लगता है। बाबा ने तो बता दिया अपना पूरा का पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई फोटो में एक है। करोड़ पुरुषार्थी और उनमें नंबरवार पोता मिल देने वाले हैं। बाप को जितना सच्चा पोता मिल देते हैं बाप उतना ही जिम्मेवार बनता है। अब ऐसे भी नहीं कि बार बार पोता मिल देते हैं। एक बार माफ होगा, दो बार माफ होगा, बार बार तो माफ नहीं होगा। तीसरी बार पोता मिल देंगे तो आधा थोड़े ही माफ होगा, आधा माफ होगा या परसेंटेज घट जाएगा माफ होने का, घट जाएगा। उसके बाद पोता मिल वही पोता मिल देंगे तो और घट जाएगा। फिर बार बार देते रहेंगे तो घटते घटते खत्म ही हो जाएगा। तो कितना भी पोता मिल दे सुधरने वाला नहीं है। बाबा ने तो बता दिया बाहर की दुनिया में भूल करते थे तो 1 गुना पाप करता था, अभी भूल करते हैं तो 100 गुना पाप चलता है। बार बार झूठा पोता मिल देते रहेंगे
बार बार गलत कर्म करते रहेंगे तो 100 गुना बढ़ते बढ़ते कितना पाप का बोझ आ जाएगा। इतना पाप का बोझ आ जाता है कि क्लास करने बैठते हैं और मूवी सुनने बैठेंगे नींद आ जाएगी, याद में बैठेंगे नींद आ जाएगी, कोई उंगली लगा देगा आंखें भी खोल लेंगे, बाबा से दृष्टि भी लेने लग पड़ेंगे, फिर नींद आ जाएगी, दृष्टि लेते लेते ही नींद आ जाएगी। इतना पाप का बोझ चढ़ जाता है। बाबा सत्यनारायण के बच्चे बोलते हैं तो सच्ची बात ही बोल सकती है। सच्चा नारायण है कहाँ अभी? सत्यनारायण के, अरे सच्चा नारायण इस दुनिया में सब झूठ है कि सब सच्चे हैं? है? सारी दुनिया में सारी झूठ खंड की दुनिया है। राज्य किसका है? रावण का राज्य है। तो रावण सच्चा होता है, सच्चा भगवान को कहा जाता है, एक सच्चा है, बाकी सब सब झूठे है। हरी रावण राज्य। ब्राह्मण की दुनिया में झूठे हो सकते हैं, बाहर की दुनिया में झूठे नहीं हो सकते। बाहरी दुनिया के लिए तो बाबा ने बोल दिया, हमारे लिए वो दुनिया ऐसा है कलाकर कर दी गलत कर वही नाक रगड़ रहे नाक भी वही रगड़ते जा रहे हैं उसी दुनिया के बारे में क्यों? तो उस दुनिया में नाक क्यों रगड़ते हो? खलास हो गई तो बाबा ने बोला है। हाँ बाबा ने बोला इसलिए नाक रगड़ते हैं। आप मुए तो मर गए तो किसके लिए? जो मर गया उसके लिए कि सबके लिए? बाबा अरे सब मर गए तो नहीं मरे, सब मर गए नंबर वार गए तो नंबर वार मरेंगे तभी बात लागू होगी, और जब तक नहीं मरे हैं तब तक ये बात लागू भी नहीं होगी। बाबा की अच्छे अच्छे जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर भी वो लोग ऐसे ऐसे बातें करते। अच्छी अच्छी जिम्मेवारी अभी तो कहा, अच्छी अच्छी जिम्मेवारी निभाने वाले, बहुत सेवा करने वाले महारथियों को माया हाँ पकड़ लीजिए, कोई की गारंटी नहीं है। बाबा देवक राव ने एक ही आदमी में शरीर छोड़ा तो मिट्टी में इनमें दोबारा गैप में आया। बहुत कैसे आया? अरे ड्रामा में था तो आया। हाँ उसी प्रकार जब छोटी माँ ने शरीर छोड़ा, उसी प्रकार छोटी माँ ने शरीर छोड़ा, उन्होंने दोबारा ज्ञान में कब कबाई? छोटी माँ ने शरीर छोड़ा एक सेकंड में तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गई। बेसिक में कब आई? बेसिक में कब आई? अरे बता तो दिया, जब सोमनाथ मंदिर होता है तो सोमनाथ मंदिर में पहले मूर्ति की स्थापना होती है, शरीर की स्थापना होती है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या होता है? मूर्ति की स्थापना होती है, मूर्ति है जड़ शरीर, उसमें ज्ञान तो होता नहीं, और जो आत्मा है उसमें ज्ञान होता है। तो पहले शरीर आता है माना प्रकृति आती है, उसके बाद प्रकृति पति आता है। जो भी सोमनाथ मंदिर की शूटिंग होती है उसमें पहले वो माता आती है, जो माता गुरु बनती है, उसके बाद वो चेला आता है माता गुरु का। वही हुआ कहते कि बाबा उनका जन्म के बारे में बताए। हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोबारा जन्म भी हुआ, ठीक है, उसी प्रकार उनका दोबारा हिंदी में प्रवेश हुआ, वो तो सबको मालूम है। दोबारा कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरी अम्मा आएगी, पप्पा ने शरीर छोड़ा तो बाप के शरीर छोड़ने के बाद दूसरा बाप, एक बड़ा बाप एक छोटा बाप, एक छोटी अम्मा एक बड़ी अम्मा। Oh.